एसोसिएशन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक बार फिर अपनी यूटी सरकार को अपनी डिमांड्स के बारे में आगाह करवाना चाहते हैं। हम हर बार कई सालों से लगातार कुछ हमारी दृढ़ मांगे हैं जिनको बार बार उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है वो ऐसी है कि इनके ऊपर कोई संजीदगी से स्टेप नहीं ले रही है, जिसमें सबसे पहले हमारे हेड टीचर जो मास्टर हैं हमारे, उनका सेवन्थ पे कमीशन का एरियर, और हमारे रेगुलराइज रेवरे तालीम टीचर जो ग्रेड टू और थ्री में काम करते हैं उनको सेवन्थ पे कमीशन का एरियर, उनका डीए एरियर अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, वो हम देने की मांग करते हैं। जहाँ पे कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, जहाँ पिक एंड चूज तरीके से ट्रांसफ़रें होती हैं कुछ कुछ लोगों की जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के चहेते हैं, और आम टीचर जो है वो पिछले मास्टर और लेक्चरर जो पिछले पाँच साल से या तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में बैठा हुआ है, जहाँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपने घरों से 100-150 किलोमीटर दूर इलाकों में काम कर रहा है, सरकार उनकी के लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो लागू नहीं कर रही है और पिक एंड चूज तरीके से ट्रांसफर कर रही है, जिसका हम कंडेम्ड करते हैं और सबकी ट्रांसफ़र एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चाहते हैं। इसके साथ ही जो हमारे लेक्चरर जो एक साल पहले प्रमोट हुए थे डीपीसी, जहाँ पे सरकार जो है वो कई सालों से नहीं कर रही है, और बदकिस्मती ये है कि एक साल पहले कुछ लेक्चरर प्रमोट किए थे कुछ सब्जेक्टों के अंदर, आज भी उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एडजस्टमेंट के लिए वेट कर रहे हैं एक एक साल से, जहाँ बच्चे जो हैं वो टीचरों को तरस रहे हैं। और वो जो यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आपके माध्यम से जो आज हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारी बहुत सी दरीना मांगे हैं। अब जहाँ यूटी गवर्नमेंट आई थी हमने सोचा था कि हमारे कुछ मसाइल जो हल होंगे, लेकिन वो मसाइल वैसे ही वैसे पड़े हैं। खासकर मैं एक दो पॉइंट पे बोलूँगा, जैसे हमारी जहाँ हेडमास्टर की, लेक्चरर की, प्रिंसिपल की, मास्टर ग्रेड की इतनी पोस्टें खाली हैं और वो अभी तक भरी नहीं गई हैं। मास्टर ग्रेड की प्रमोशन 20 फरवरी 2014 में हुई थी, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं हुई है। हेडमास्टर की जम्मू प्रोविंस के अंदर 300 के पोस्टें खाली हैं, वो अभी तक नहीं भरी गई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम पोस्टें डीपीसी के द्वारा भरी जाएं। जहां हमारे क्लास फोर्थ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लैरिकल के हैं, उनकी पोस्टें खाली हैं। जो फोर्थ क्लास हैं वो 25 साल से फोर्थ क्लास का ही काम कर रहे हैं। हम ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इन पोस्टों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसके साथ ही प्री प्राइमरी क्लासेस का हमने हर बार कहा कि प्री प्राइमरी क्लासेस हर स्कूल में होना चाहिए जहां प्राइमरी क्लासेस चलती हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं जहां पहले ही प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं वहां प्री प्राइमरी क्लासेस होनी चाहिए विद फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे बच्चे जो हैं हमारे पास आ जाएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़े। हम इन्हीं बातों पर आज यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बाकी की जो हमारी डिमांड्स हैं हमारे सीनियर साथी और हमारे जनरल सेक्रेटरी हरि सिंह जी आपसे बात